वेलकम टू द विक्टर्स किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी वेज एंड नॉन वेज पफ्स। वेल, इट इज अ वेरी इजी डिश टू मेक एंड इज परफेक्ट फॉर योर लव्ड वंस ऑन देयर स्पेशल ओकेजन। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम पफ्स बनाने वाले हैं, ये हम ईस्ट से बनाएंगे। ऐसे हम इसे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा से भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम ईस्ट से बनाएंगे। ये हमने एक बाउल में एक कप दूध लिया है, जिसको हल्का गुनगुना रखा है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे और फिर उसे अच्छी तरह मिलाएंगे, ताकि चीनी इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह घुल जाए। ये हमने 1.5 चम्मच ईस्ट लिया है, अब हम इसे इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह अब हम इसे मिलाएंगे। फिर इसको क्लिंग रैप की मदद से कवर करके करीब 15 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे, ताकि ईस्ट हमारी एक्टिवेट हो जाए। हाँ, हमें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। आइए देखते हैं हमारा ईस्ट मिक्सचर तैयार हुआ कि नहीं। ये देखिए, बहुत अच्छा तैयार हो गया है। इसको हम चम्मच से मिला लेते हैं एक बार। अब हम अपना डो की तैयारी करते हैं। यहाँ हमने 350 ग्राम के करीब मैदा लिया है। इसके अंदर हम 2 से 2.5 चम्मच हम इसमें ड्राई मिल्क पाउडर मिलाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर करीब 1 चम्मच नमक मिलाएंगे, जो कॉमन सॉल्ट होता है। कॉमन सॉल्ट 1 चम्मच के करीब मिलाएंगे। अब ये जो हमारा मिक्सचर हमने ईस्ट का बनाया है, इसको डाल के थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मैदा को हाथ से मिक्स करेंगे। यहाँ ध्यान रखिए, इसको बहुत ही हल्के हाथ से हम इस डो को बनाएंगे। बहुत टाइट डो नहीं बनाना है हमें, थोड़ा लूज रखेंगे। लोग चम्मच से भी मिलाते हैं, कुछ इसको बड़े स्पून से मिलाते हैं, लेकिन मुझे हाथ से बनाना है, मिलाना ही अच्छा लगता है और उससे बहुत ही स्मूथ डो तैयार होता है। इसमें जो की पॉइंट है वो यही है कि आपको हल्के हाथ से मिलाना है। इसमें थोड़ा सा हम 15 ग्राम के करीब मक्खन मिला लेते हैं, जिससे डो में बहुत बढ़िया स्मूथनेस आएगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट डो हमने तैयार कर लिया है। अब इस डो को हम करीब 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच के लिए रेस्ट देंगे। एक डिश को हमने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है नीचे से, उसके अंदर हम ये डो को रख देते हैं। ये इस तरीके से पोटली बना करके हम इसको बंद करेंगे और स्मूथ साइड्स के ऊपर की तरफ करके और इसको अपनी डिश में रख देते हैं। अब हम इस डो को 1.25 से 1.5 घंटे के लिए क्लिंग रैप से रैप करके रेस्ट करके लिए फिर वार्म प्लेस पे रख देंगे। डेढ़ घंटा हो चुका है। ये देखिए, हमारा डो फूल कर डबल हो गया है। अब हम इसको हल्के हाथ से पंच करेंगे और इसकी एयर रिलीज करेंगे। अब हम इसको अपने काउंटर पे ले करके
और इसको हल्के हाथ से गूंदेंगे। ध्यान रहे कि आपको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मलना है। ये देखिए इस तरीके से, आप चाहे तो हल्का सा बटर लगा सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट डो बन करके तैयार हो गया है। हमने डो को अच्छी तरह मल लिया है और हम इसको हल्के हाथ से रोल करेंगे। रोल करके अब हम इसको फ्लैट करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बीच पे को फोल्ड करेंगे। और ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम इसको दोबारा रोल करेंगे और अपनी लोई के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। अब एक पीस उठा करके लोई को ऐसे पोटली की तरह हम फोल्ड करेंगे और इसकी गोल लोई बनाएंगे। ऐसे ही हम सारी लोइयां बना लेते हैं। पफ बनाने के लिए लोई को बेलेंगे। हम इसे ना तो ज्यादा मोटा रखेंगे ना ही बहुत पतला बेलेंगे। फिलिंग के लिए हमने थोड़ी चीज ली है, पनीर की फिलिंग ली है, थोड़ी कॉर्न की फिलिंग ली है और एक नॉन वेज फिलिंग ली है। आप चाहे जो चाहें इसमें डाल सकते हैं। ये हमने मोजरेला चीज ली है, थोड़ी पनीर की फिलिंग, थोड़ा सा कॉर्न, गार्लिक, और थोड़ा सा चाट मसाला। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से। इसमें पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि फोल्ड काफी होते हैं तो रुक जाता है। ऐसे ही हम ये सारे फोल्ड कर लेंगे, किसी में कॉर्न, किसी में पनीर, किसी में नॉनवेज। ये हमने बेकिंग डिश को ग्रीस कर लिया है और ग्रीस करने के बाद डस्ट कर लिया है। डस्ट करने के बाद एक एक करके हम ऐसे ही सारे पफ इसमें अरेंज कर देंगे। हम इसको क्लिंग रैप से रैप करके 15 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको मिल्क वॉश करेंगे। मिल्क वॉश करने से अच्छी ब्राउनिंग आती है। मिल्क वॉश के बाद इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे और इसको धनिया की पत्ती से डेकोरेट करेंगे। ओवन को हमने 15 मिनट के लिए 150 डिग्रीज पे प्री हीट कर लिया है। अब हम इन पफ्स को इसमें रखकर अराउंड 35 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे।
40 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने पफ्स को निकाल कर देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है। और ये अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें बटर से इसको ब्रश करेंगे। बटर लगाने से इसके अंदर बहुत सॉफ्टनेस आ जाएगी। जब तक ये ठंडे होंगे बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। पफ्स बिल्कुल रेडी है और अब चटनी और सॉस के साथ सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या आपको वीडियो पसंद आया होगा? तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं।